हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विकास। स्वागत करता हूं आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में। आज मैं इस ब्लॉग में आपको मनाली के बारे में बताने जा रहा हूं। आप मनाली कैसे विजिट कर सकते हैं, यह सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं तो हिमाचल प्रदेश एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। हिमाचल में कई ऐसी जगह हैं जहां जाकर आप शांति और सुकून के पल बिता सकते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय के लिए ब्रेक लेकर यहां जाना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हिमाचल में मनाली सबसे ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस। दोस्तों, अगर आप कभी भी हिल स्टेशन का जिक्र करते हैं तो पहली तस्वीर हमारे दिमाग में मनाली की जरूर आती है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे मनाली जा सकते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत लोकप्रिय हिल स्टेशन है। मनाली में नवंबर से फरवरी के महीने के बीच आप स्नोफॉल का मजा भी उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप मनाली आना चाहते हैं बाय ट्रेन तो मनाली के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है, इसलिए आपको चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर आना पड़ेगा। मनाली जाने के लिए आपको चंडीगढ़ जंक्शन या फिर अम्बाला जंक्शन आना पड़ेगा। दोस्तों, चंडीगढ़ या फिर अम्बाला रेलवे स्टेशन से आगे आपको कोई भी मनाली के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी, तो इससे आगे का सफ़र आपको बस या फिर टैक्सी से करना होगा। चंडीगढ़ से मनाली के बीच का डिस्टेंस 280 किलोमीटर है, जो डिस्टेंस आपको बाय रोड कवर करना होगा। चंडीगढ़ से आगे का सफ़र आपको प्राइवेट टैक्सी या फिर बस से करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से चंडीगढ़ टू मनाली के बीच में चलने वाली कुछ बसेस के प्राइसेस का आइडिया दे रहा हूँ। इसमें HRCTC की बसेस भी इंक्लूड है। तो आप चंडीगढ़ से मनाली जाने के लिए रेड बस, मेक माई ट्रिप या फिर पेटीएम से अपने बस की बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से डायरेक्ट मनाली के लिए बस ले सकते हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से टाइम टू टाइम HRCTC की बस चलती रहती हैं, जिसमें आपको वॉल्वो बस से लेकर नॉर्मल बस भी मिल जाएंगी। अगर आप दूसरी बसेस को प्रेफर करना चाहते हैं तो आप जिंग बस या फिर इंटरसिटी स्मार्ट बस को प्रेफर कर सकते हैं, जिसकी बुकिंग आप मेक माई ट्रिप या फिर रेड बस जैसी एप्लीकेशन से कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्सनल कार है तो आप मनाली तक की जर्नी अपनी कार से भी कर सकते हैं।